अकबर है, मेरी बेटी का नाम मोहम्मदी बेगम है, लाहौर सियालकोट के अंदर मेरी बच्ची रहती है। ये बच्ची की शादी 1996 में हुई थी और ये बच्ची जो है यहाँ से हैदराबाद से जो है रवाना हुई और यहाँ से मस्कत, मस्कत में जो है दो लड़के हुए, दो लड़कियां हुए बच्ची को। फिर इसके बाद में फिर कई दिन हुए, होने के बाद में जो है बच्ची को जो है 2012 में जो है यहाँ भेजा। एक महीने की वीजा के ऊपर वो बच्ची दो दिन बाकी है बोलने को, यहाँ से मस्कत ओमान को, और ओमान का बदाखा भी लाई थी उन्हें, वो बदाखा लेके आई थी, उसकी वजह से वो बच्ची फिर यहाँ से ओमान मस्कत चल गई। और फिर इसके बाद में वहां से थोड़े दिन रहने के बाद में वो बच्ची को लेके अपने लोगों से मिलके आएंगे हमारे वर्ग के, वहां से उसको जो सियालकोट लेके चल गया। बोले अरे क्या हुआ इतने दिनों का, तो नहीं बोले मैं ओमान का ही हूँ, मैं पाकिस्तानी सिटीजन हूँ बोल के वहां बोला। तो बच्ची बहुत रोने लगी, हमें जिंदगी भर नहीं आ सकती बोल के। फिर वहां एक लड़का हुआ, फिर इसके बाद में 2012 को जो है बच्ची हैदराबाद आई, मस्कत को, मस्कत से जो है हैदराबाद को आई, हैदराबाद में रहने के बाद फिर चलेगी। वहां जाने के बाद में फिर इतना सितम ढा रहा है वो, तो 2-3 महीने से तो इतने खुद मारा है उन्हें पूछो मत। और बच्ची का जो है दिमाग पे सर पे मार रहा है, और बच्ची कभी का कुछ बोरी, कभी का कुछ बोरी, और मेरे को जल्द से जल्द बुला लो, और हुकूमत से रिक्वेस्ट करो आप लोग, और जो है मीडिया वालों को से भी रिक्वेस्ट करो कि मेरे को बाबा जी जल्द से जल्द बुलाइए, ठीक रहता, मैं दीदार कर लूँ। मेरे को भी शुगर बढ़ गया है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, अब मैं इतनी देर ठहरा भी हूँ तो मेरे को चक्कर आ रही है, मेरे शहर के हयात की भी तबीयत ठीक नहीं है, असरा हॉस्पिटल का जो है इलाज चल रहा है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोगों की बच्ची कब आएगी क्या नहीं। तो आप लोग हुकूमत से मैं यही दरख्वास्त करता हूँ सुषमा स्वराज जी कि मेरी बच्ची को जो है जल्दी जल्द से अगर आप बुला लिए तो बड़ी मेहरबानी होंगी। शुक्रिया।